और एडीजी आगरा कमिश्नर अलीगढ़ की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है जो हादसे के कारणों का पता लगाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही ब्रिजेश कि अगर पुलिस ने परमिशन दी तो क्या सेवादारों के भरोसे छोड़ दिया था इस बड़े आयोजन को, और उसी लापरवाही का नतीजा है कि इतने लोगों की जान गई। अजय, सबसे बड़ी बात यह है कि जब घटना की जांच होगी तब इसमें कई अन्य बिंदु निकल के सामने आएंगे, लेकिन जो प्राइमा फेसाई जो कारण समझ में आ रहा है, आखिर इतनी बड़ी घटना में देखिए, आप बेसिक चीज है कि जब भी कोई लाखों की भीड़ का कोई आयोजन होता है उस आयोजन के लिए जो पंडाल होता है वहां पर मल्टी एग्जिट पॉइंट तैयार किए जाते हैं कि अगर जो है कोई अलग अलग जगह से भीड़ को निकाला जाएगा जिससे ऐसे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन यहां पर ऐसा कोई प्लान मौजूद नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि अगर सत्संग खत्म हो गया था तो बाबा को कुछ देर रोका जा सकता था, भीड़ को पहले निकाला जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से सत्संग में भी वीआईपी कल्चर था और वहां बाबा को निकालने के लिए उनके सेवादारों ने गेट बंद कर दिया और भीड़ को रोक दिया और उसके बाद बाबा की गाड़ी को पास किया गया वहां से, और बाबा की गाड़ी को निकालने की वजह से भीड़ जो थी वो इकट्ठा एकमुश्त एक जगह पर गेट पर इकट्ठा हो गई और जैसे ही गेट खुला वैसे भगदड़ मचा करके बाहर निकली भीड़ और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। तो कहीं ना कहीं खामी है, प्रशासन की खामी यह है कि केवल सेवादारों के भरोसे लाखों श्रद्धालुओं को नहीं छोड़ा जा सकता था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी, क्या जो परमिशन ली गई थी, क्योंकि हर एक आयोजन के लिए बाकायदा प्रशासन एनओसी जारी करता और जब उसकी अनुमति देता, अगर ग्रामीण इलाके में तो एसडीएम उसकी परमिशन देता है और अगर शहरी इलाके में तो सिटी मजिस्ट्रेट उसकी परमिशन देता है और उसमें इंश्योर किया जाता है कि कितने लोगों की तादाद इस पंडाल में इकट्ठा होगी, इस पंडाल में क्या कुछ इंतजाम है, फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, पुलिस उसमें किस तरीके से वो करेगी, सभी की एनओसी लगती है, बाकायदा फायर सेफ्टी अपनी एनओसी देता है, पुलिस अपनी एनओसी देती है और उसके बाद प्रशासन इसको जारी करता है। लेकिन क्या इसमें सिर्फ रस्म अदायगी हुई, क्या इसमें सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई, क्या वाकई में हकीकत में जमीन पर वो इंतजाम नहीं थे, क्या अगर लाखों लोगों की भीड़ थी उनको निकालने के लिए पुलिस ने सेवादारों के साथ या जो है सत्संग में जो आयोजक थे उनके साथ कोई विचार विमर्श किया गया था, और किया गया था तो उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया, इस तरह के तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो कमेटी बिठा दी गई है वो जांच करेगी, लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा है और सवाल भी बड़े हैं कि आखिर इतने लोगों की जान की मौत का जिम्मेदार कौन है। पंकज, अभी अपडेट आपकी क्या, आपके पास क्या, चूंकि आप वहां मौजूद हैं, आसपास हम देख पा रहे हैं बहुत से लोग हैं, क्या हलचल वहां और क्या अभी अपडेट आपके पास? यहाँ पर इकट्ठी है और यहाँ पर सिवाय मतलब यहाँ पर लोगों के चीखने और रोने की आवाज पूरी तरह से आपको सुनाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर और सारे लोग पूरी बदहवास अवस्था में हैं और कोई भी पूरी तरह से अभी सब लोग एक दूसरे को अपने अपने परिचित और अपने प्रियजनों को ढूंढते हुए कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और क्योंकि अभी पूरी तरह से हमने जैसा कि आपको बताया कि 27 बॉडी यहाँ पर पुलिस अधिकारी यहाँ पे हैं, लोग यहाँ पे हैं, अगर संभव हो तो आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, जो आला अधिकारी हैं वो इस पे क्या कह रहे हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने अपनों को खोया तो उनका दर्द क्या है, जी अगर संभव हो तो बात करने की कोशिश कीजिए। जी, आप लोग वहाँ पर थे? अच्छा, तो वहाँ पर ये कैसे कैसे हादसा हुआ, कैसे भगदड़ मची? भैया, भीड़ नहीं थी, तो आप यहाँ पर पोस्टमार्टम पर आए हैं, यहाँ पर आपके कितने लोग हैं जिनको ढूंढने के लिए आए? देखने आए, हमारा कोई है तो नहीं है, देखिए तो आए। तो कोई जानकारी आपको मिल पाई यहाँ पर कितने लोग हैं? हमारा सर कोई साथ नहीं है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर लोग और लोगों से बात कीजिए, पंकज और लोगों से बात कीजिए, ये लोग वहाँ मौजूद थे और ये बताएंगे आंखों देखा हाल के वहाँ हालात क्या बने थे, जो भगदड़ मची और वहाँ पे क्या हालात बने थे, कोशिश कीजिए और लोग जो यहाँ पे हैं चाहे महिला हो पुरुष हो उनसे बात कीजिए, वो बताएंगे वहाँ पे कि मौजूद थे तो क्या हुआ था। एक मिनट, आप वहाँ पर थे तो कैसे भगदड़ हुई? तो आपके यहाँ पर कितने लोग आए हैं? जी, तो आपके साथ के कुछ लोग यहाँ पर बॉडी आई है? दो बच्चे आपके अक्सर हुए हैं? जी जी, जैसा कि ये अभी महिला से बात हुई, इनके इनके ये खुद भी वहाँ पर उपलब्ध थी और इनके दो बच्चे यहाँ पर इस बॉडी में मतलब एक्सपायर हुए हैं। जी
बिल्कुल। और पंकज, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, यानी पूरी तरीके से बद इंतजामी थी जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। ऐसे में सवाल यही कि अब चूंकि ठीक है जांच कमेटी बन गई, जांच होगी, कुछ लोगों पे घास गिरेगी, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, सवाल तो यही कि उनके दर्द को कौन समझेगा। मैं लौटता हूं क्योंकि कुछ सवाल हमारे भी हैं, न्यूज वन इंडिया के कुछ सवाल हैं, और सवाल सबसे बड़ा यही कि इतने बड़े आयोजन के लिए प्रशासन ने क्यों नहीं किया इंतजाम। पूछता है न्यूज वन इंडिया के भीषण गर्मी में ऐसे बड़े आयोजन के लिए प्रशासन ने अनुमति कैसे दे दी, और बड़े जमावड़े को लेकर बेखबर आखिर क्यों था प्रशासन, पूछता है न्यूज वन इंडिया। आयोजन स्थल पे बुनियादी सुविधाओं का अभाव क्यों था, क्यों वहां बेहतर इंतजाम नहीं थे, क्या हाथरस प्रशासन तय करेगा हद से की जवाबदेही। निलेश, सवाल तो अब उठेंगे, लगातार न्यूज वन इंडिया भी उठा रहा है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, सवाल कई हैं। अब बड़ी बात यह कि क्या इस पर एक्शन होगा, क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में, चूंकि अब कमेटी मुख्यमंत्री ने भी बना दी, जांच करेगी, कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यही कि कहीं ना कहीं प्रशासन की बद इंतजामी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। देखिए राजेश, बिल्कुल, जब इस तरीके का कोई धार्मिक या सार्वजनिक आयोजन होते हैं तो उसको लेकर जो आयोजन समिति होती है वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास बाकायदा एक प्रार्थना पत्र देती है कि वो इतना बड़ा आयोजन फलानी जगह पर कराने जा रहा है जहां पर इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो सकती है, उसकी जब जानकारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या फिर और जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं उनको दी जाती है, तो वहां पर उसी हिसाब से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे निर्देश है कि अगर कहीं पर कोई बड़ा आयोजन है तो प्रशासन वहां पर मुस्तैदी रखे, समय समय पर वहां पर जो है आयोजन समिति से बात की जाए कि कहीं पर कोई बदइंतजामी तो नहीं हो रही है जिससे जनता को परेशानी हो। कहीं ना कहीं हाथरस में जिस तरीके से घटना हुई है उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आयोजन समिति की भी लापरवाही और उससे बड़ी लापरवाही जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है उसकी है। अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो जाहिर सी बात है वहां पर पुलिस की कई टीमों को लगाया जाना चाहिए था, जिला प्रशासन के कई अधिकारियों को वहां पर मुस्तैद रहने की आवश्यकता थी। अगर वो मुस्तैद होते तो शायद इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसको रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं अभी तक की अगर हम बात करें तो 27 लोगों के मौत होने की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। ये अगर इतनी बड़ी घटना हुई है प्रदेश के अंदर तो सरकार की भी जिम्मेदारी तय होती है, और सरकार जब जिम्मेदारी सरकार की बनती है तो ऐसे ही परिस्थितियों में सरकार उन अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करती है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने जिलों में बेहतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखेंगे, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, सार्वजनिक आयोजन हो, उसमें किसी तरीके की हीला हवाली ना हो जो इस तरीके की घटना हो। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, एक कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं कि आखिर इस घटना के पीछे कौन कौन अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही, और इतनी बड़ी आयोजन को लेकर परमिशन देने वाले कौन कौन से अधिकारी थे, तो उन तमाम चीजों पर जो है अब जांच होगी, और जांच होने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी प्रकार से जो इस हादसे में घायल लोग हैं, सत्संग में शामिल होने गए लोग थे, उनको समस्या का सामना न करना पड़े, तत्काल प्रभाव से उनको जो है वहां पर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाए, और जो